जय हिंद। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशंस में हमने नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों के बारे में बात कर ली है। आज अपने को पढ़ना है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा एक टॉपिक और देखेंगे अपन, क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे आज और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब तक अपने को ये तो याद हो ही गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 352 के अंडर, और प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है आर्टिकल 356 के अंडर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 360 के अंडर। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई कब जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट को अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यह लगता है कि देश में या देश के किसी हिस्से में फाइनेंस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, थ्रेटन्ड है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि देश में या देश के किसी भी हिस्से में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो प्रेसिडेंट लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। उनको ये पावर दी गई है। कौन लगाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट लगाते हैं। अच्छा, अगर ग्राउंड्स की बात हो रही है तो रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है। नेशनल इमरजेंसी में कौन से ग्राउंड्स हैं? तीन ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। और दूसरा अपन ने पढ़ा है प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट रूल में ग्राउंड्स क्या है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 में ये बात कही गई है, और आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर सेंटर स्टेट्स को कोई डायरेक्शन इशू करता है और स्टेट उसके साथ में कंप्लाई नहीं करती है, उसको फॉलो नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट ये कंक्लूड करेंगे कि देखो, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, और इस बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और जब बात हो रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 360 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको ये लगता है कि देश में फाइनेंस की सिचुएशन थ्रेटन्ड है, कंडीशन खराब है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। अब बात आई अप्रूवल की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस का, बोथ द हाउसेस का अप्रूवल चाहिए। लोकसभा का भी अप्रूवल चाहिए और राज्यसभा का भी अप्रूवल चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये जो अप्रूवल है ये विद इन 2 मंथ्स चाहिए, कि जिस दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई उसके विद इन 2 मंथ्स में लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। अच्छा, अप्रूवल की बात चली रही है, तो देखो, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अप्रूवल लोकसभा का भी चाहिए और राज्यसभा का भी चाहिए, लेकिन ये अप्रूवल चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में चाहिए, और विद इन 1 मंथ अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। और अप्रूवल, अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल के केस में, तो प्रेसिडेंट रूल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन अप्रूवल चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ में, और ये जो अप्रूवल है ये विद इन 2 मंथ्स लिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा का भी और राज्यसभा की भी, और सिंपल मेजॉरिटी के साथ में चाहिए विद इन 2 मंथ्स। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि जिस टाइम पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई उस टाइम पर मान लेते हैं लोकसभा डिसॉल्व्ड है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई और विद इन 2 मंथ्स में अप्रूवल चाहिए, और उस विद इन 2 मंथ्स में लोकसभा बिना अप्रूवल दिए या अप्रूवल देने से पहले डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्या सिनेरियो है? तो सिनेरियो यह है कि जब भी नई लोकसभा बनेगी उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी उसके विद इन 30 डेज तक ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा। मतलब जब नई लोकसभा की पहली सिटिंग होगी तो उसके 30 दिन तक ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है ये सर्वाइव करेगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि विद इन दैट टाइम, जब लोकसभा एग्जिस्टेंस में नहीं थी, राज्यसभा अपना अप्रूवल दे दे फाइनेंशियल इमरजेंसी को, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है कंटिन्यूएशन की, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी प्रेसिडेंट ने, अप्रूव भी कर दी लोकसभा और राज्यसभा ने, अब इसको कंटिन्यू कैसे किया जाएगा? तो बड़ा सिंपल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लग गई है तो इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रह सकती है, तब तक कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि उसको रिवोक नहीं किया जाता, जब तक कि उसको हटाया नहीं जाता। तो बेसिकली इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो ये कि देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। मैक्सिमम पीरियड नहीं बताया हुआ कि कितने लंबे टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है,
इनडेफिनिट पीरियड है। जैसे अपन ने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा इससे पिछले वाले सेशन में, तो वहां बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम पीरियड नहीं बताया हुआ। और दूसरा, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। मतलब बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अप्रूवल ले लिया और फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाएगा। जैसे अपन ने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी, अपन ने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा, तो वहां पे हर 6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अपने को ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लगा दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको सिर्फ एक बार अप्रूवल की जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद वो इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रह सकती है। तो सवाल आता है कि उसको हटाया कैसे जाएगा। रिवोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने का, हटाने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट को जब भी लगे कि अब यार सिचुएशन बढ़िया हो गई है, ठीक हो गई है और अब टाइम आ गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा देंगे। और इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब प्रेसिडेंट हटा रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंटर को पावर मिल जाती है कि सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शंस इश्यू कर सकते हैं और बता सकते हैं टू ऑब्जर्व सच फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज मे बी स्पेसिफाइड। बता सकते हैं स्टेट्स को कि भाई साहब पैसे को ढंग से यूज़ करो, पैसे को कहाँ खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, पैसे की कमी है तो उस सिनेरियो में सेंटर को यह अधिकार है कि सेंटर स्टेट्स को बताए कि पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, आलतू फालतू खर्च तो नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए डायरेक्शंस इशू कर सकता है सेंटर स्टेट्स को। और दूसरा, अदर डायरेक्शंस एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। प्रेसिडेंट को जो डायरेक्शंस फाइनेंशियल इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए ठीक लगती हैं उन डायरेक्शंस को इशू किया जा सकता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को। इसके अलावा कुछ और भी डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं। ये कहा जा सकता है स्टेट्स को कि स्टेट्स में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस करो, रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्संस सर्विंग इन द स्टेट। और दूसरा, ये भी कहा जा सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर से जो भी मनी बिल्स या कोई भी दूसरे फाइनेंशियल बिल्स पास होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जाए। बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर है कि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाते भी हैं और हटाते भी हैं। और इफेक्ट्स में अपन क्या बात कर रहे हैं कि सेंटर को पावर मिल जाती है, सेंटर डायरेक्शंस इशू कर सकता है स्टेट को और स्टेट्स को बोल सकता है कि देखो पैसे को कम खर्च करो या कैसे खर्च करना है उससे रिलेटेड डायरेक्शंस इशू कर सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट को जो भी स्टेप्स नेसेसरी लगें फाइनेंशियल इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए उससे रिलेटेड डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं स्टेट्स को। इसके अलावा स्टेट्स को बोला जा सकता है कि आपके यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस करो, कम करो। और फिर फाइनली स्टेट्स जो भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स लेजिस्लेचर से पास करेंगे उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ये बात हो रही है स्टेट लेवल की, जो सेंटर डायरेक्शन इशू कर रहा है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यूनियन में सेंट्रल लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस को रिड्यूस किया जाए। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस को भी रिड्यूस किया जाए। ये पावर मिल जाती है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ऐसे डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। भाई पैसे की कमी है, सिर्फ बर्डन जो है वो स्टेट्स के ऊपर नहीं होगा, सेंटर के ऊपर भी होगा। तो सेंटर के जो भी लोग काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस को भी रिड्यूस करने के लिए डायरेक्शंस कौन इश्यू कर सकता है? प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री में आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी अपन ने पढ़ी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है। प्रेसिडेंट रूल की तो बात ही मत करो, एन नंबर ऑफ टाइम्स लगाए गए हैं, बहुत बार लगाए गए, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है हमारी कंट्री में। इनफैक्ट 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए उस दौरान भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और इसके बाद बात आती है जुडिशियली रिव्यू करने की कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा दी गई है तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इस 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी चाहिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई है, ये सेटिस्फेक्शन फाइनल है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता।
ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 360 है। प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता। बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा दी गई है तो उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहा 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। लेकिन फिर लाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस ऊपर वाले प्रोविजन को डिलीट कर दिया। और अब सिचुएशन ये है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा रही है तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, उसको जुडिशियली चेक किया जा सकता है। और यहाँ पे बात खत्म हो गई फाइनेंशियल इमरजेंसी की। एक टॉपिक और बचा है, क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तीन चार क्रिटिसिज्म्स हैं। देखो, एक तो क्रिटिसिज्म बड़ा वैलिड सा है कि यूनियन के पास में सारी पावर चली जाती है। जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है यूनियन पावरफुल हो जाता है और हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है, हमारा जो पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा, सारी स्टेट की पावर, चाहे वो यूनियन की पावर्स की बात हो रही हो चाहे वो स्टेट्स की पावर की बात हो रही हो, वो सारी किसके पास में चली जाती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में चली जाती है। पॉसिबिलिटी हो जाती है कि प्रेसिडेंट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो डिक्टेटर की तरह से काम कर सकता है। चौथा, ये कह रहे हैं द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलीफाइड। जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है स्टेट्स को, उस पर नॉर्मल टाइम्स में भी काफ़ी सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि स्टेट को डिपेंडेंट बनाया गया सेंटर के ऊपर, और इमरजेंसी के दौरान तो ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट की, ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फाइनली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। अपन ने देखा है नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और फिर बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है 20 और 21 को छोड़ के। तो फंडामेंटल राइट्स एकदम मीनिंगलेस हो जाते हैं, और बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है उनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। और इस पर बहुत सारे जानकार लोगों का आर्ग्यूमेंट, डिबेट एंड डिस्कशंस दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, वो आप पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है इतना नेसेसरी नहीं है। यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो ठीक है। और इसके साथ इमरजेंसी प्रोविजंस ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।